Next problem is, if fx is equal to a naught plus a1 x square plus a2 x4 plus a3 x6 and so on plus an x to n, where 0 is less than a naught, is less than a1, less than a2, less than an, then fx has exactly one local maximum and no local minimum, exactly one local minimum and no local maximum, exactly one local maximum and one local minimum, no local maximum and no local minimum. अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं. यहां पर दिया हुआ है fx, given fx is equal to a naught plus a1 x square plus a2 x4 plus a3 x6 and so on an x to n. इसको y वे मान सकते हैं या fx रहने दीजिए, y मान लीजिए. इसके बाद हमने क्या कहा था, dy by dx निकालिए. dy by dx that is f dash x, a1 into 2x, a2 into 4x cube, a3 into 6x5 and so on an into 2n x 2n minus 1. इसमें हम x 2x कॉमन ले सकते हैं. ये हो जाएगा a1, ये 2a2 x स्क्वायर, 3a3 x4 एंड सो ऑन. 2x हमने कॉमन लिया है तो n a n x टू द पावर 2n माइनस 2, ये f डैश x हुआ. लेकिन ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव क्यों है, हम dy by dx का साइन इसके में लिखना चाहते हैं. ये पॉजिटिव है, a1, a2, a3, an सारा पॉजिटिव है और x का केवल इवन पावर इसमें आ रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है. हमने कहा था कि किसी एक्सप्रेशन का साइन स्कीम लिखना है तो उस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर पॉजिटिव है उसको छोड़ सकते हैं. साइन स्कीम लिखते समय पॉजिटिव फैक्टर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉजिटिव फैक्टर्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं करता है. तो साइन हमको केवल इस एक्स का लिखना है, साइन ऑफ dy by dx दैट इज ऑफ x इज, और x का साइन लिखना है तो इसमें इसको जीरो करेंगे, जीरो करेंगे तो x जीरो आएगा. x जीरो आया तो नंबर लाइन दो पार्ट में बट गया. अगर इस पार्ट में कोई एक वैल्यू रख करके चेक करते हैं, वन रख दिया पॉजिटिव तो नेचुरली यहां नेगेटिव होगा. y इस साइड में dy इज डिक्रीजिंग क्योंकि dy by dx नेगेटिव है, और इस साइड में y इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा. तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, y हैज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू जीरो. तो फाइनल आंसर क्या होगा, दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमम एंड नो लोकल मैक्सिमम, करेक्ट. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4. इफ fx इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इंटू t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू t माइनस 5 होल क्यूब dt फ्रॉम 0 टू x, देन fx हैज एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमम एंड नो लोकल मिनिमम, एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमम एंड नो लोकल मैक्सिमम, एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमम एंड वन लोकल मिनिमम, नो लोकल मैक्सिमम एंड नो लोकल मिनिमम. तो इसमें जिस फंक्शन का हमको निकालना है, देखना है मैक्सिमम और मिनिमम, वो फंक्शन ये इंटीग्रल के बराबर है. तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसका साइन लिखेंगे. तो जिस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है उसको हम वाई मानते हैं,
y is equal to fx is equal to 0 to x e to the power t, t minus 1, t minus 2 whole square into t minus 5 whole cube dt. यहां देखिए इंटेग्रल विथ रेस्पेक्ट टू टी है, डीटी का मतलब इंटेग्रल टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इंटेग्रेट करते समय वेरिएबल टी होगा. अगर यहां हम डीयू लिखते तो यू वेरिएबल होता, इंटेग्रेट करते समय अगर यहां डीयू लिखते तो यू के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करना है तो यू वेरिएबल होगा, यहां वेरिएबल टी है, इंटेग्रेट करते समय वेरिएबल टी. अब इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव लिखना है तो न्यूटन लिबनिज रूल, न्यूटन लिबनिज रूल से क्या होता है कि न्यूटन लिबनिज रूल में अगर कोई फंक्शन एफएक्स है इंटीग्रल एफटी डीटी, एफएक्स है इंटीग्रल एफटी डीटी, तो उसका डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या होता है कि इसमें जिस फंक्शन का इंटीग्रल है, इस फंक्शन का इंटीग्रल है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल हटा दीजिए और इसमें वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट लिखिए, इसमें वेरिएबल टी के जगह पर अपर लिमिट लिखिए और अपर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव लिखना है तो न्यूटन लिबनिज रूल से क्या होगा, ये इंटीग्रल हट जाएगा. जिस फंक्शन का इंटीग्रल था उसमें वेरिएबल के जगह पर, वेरिएबल यहां टी है, टी के जगह पर अपर लिमिट रखिए मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो इस एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस टी के जगह पर लोअर लिमिट रखिए इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. न्यूटन लिबनिज रूल से इसका डेरिवेटिव लिखने का मेथड क्या होता है कि इंटीग्रल हट जाएगा और t यहां वेरिएबल है इंटीग्रेट करते समय, तो t के जगह पर अपर लिमिट रखिए मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस t के जगह पर लोअर लिमिट रखिए मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसलिए यहां पर आ जाएगा जीरो. t के जगह पर लोअर लिमिट रखना है मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. तो यही हुआ डीवाई बाई डी एक्स. अब इसका हम साइन लिखना चाहते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम कैसे लिखेंगे, हमने बतलाया था कि साइन स्कीम लिखते समय जो फैक्टर पॉजिटिव है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो फैक्टर पॉजिटिव है उसको एज इट इज उसको आप छोड़ सकते हैं. तो यहां देखें ई टू द पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इनफैक्ट होगा, इसको भी हम छोड़ सकते हैं. तो साइन स्कीम इसी का लिखना होगा. तो साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव होल क्यूब ईच. अब साइन स्कीम लिखने का मेथड क्या बतलाया था, हमने बतलाया था कि जिसका साइन लिखना है उसके न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालिए, डिनोमिनेटर को भी जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालिए. यहां डिनोमिनेटर में तो वन है इसलिए केवल न्यूमरेटर को जीरो करेंगे. इसको जीरो करने से एक्स क्या आएगा, वन. इसको जीरो करने से एक्स क्या आएगा, फाइव आएगा, लेकिन रिपीटेड थ्री टाइम्स. फाइव आएगा लेकिन कितने बार रिपीटेड होगा, थ्री टाइम्स. ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, उसके दोनों साइड में सेम साइन अपोजिट साइन होता है. हाँ, इवन टाइम्स रिपीटेड रहता तो उसके दोनों साइड में सेम साइन होता. ये ऑड टाइम्स रिपीटेड है इसलिए फाइव रिपीटेड है थ्री टाइम्स. यहां हम मार्क कर दिया, आइडेंटिफाई किया कि फाइव थ्री टाइम्स रिपीटेड है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है इसलिए साइन ऑल्टरनेटली चेंज करेगा. इस पार्ट में हम चेक करते हैं, एक्स जीरो रखते हैं, माइनस वन इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. इसमें वाई क्या होगा, वाई इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहां मैक्सिमम होगा और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो यहां मिनिमम होगा. तो फाइनली क्या हमको मिला,
y has, fx has local maximum at x is equal to 1 and local minimum at x is equal to 5. Fx has local maximum at x is equal to 1 and local minimum at x is equal to 5. The final answer is fx has exactly one local maximum and one local minimum. Choice C is the correct choice.